वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज की इस वीडियो में आप जिस जुगति बारे गल कर जा रहे हैं, ये जुगति बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले ने अपने एक संगी नूं दसी सी, जिसका नाम महेंद्र सिंह सामने आया है, जो कि दिल्ली का रहने वाला सी। उसका पता नहीं किहड़ा कर्म अगे आ गया, उसकी छाती विच टीबी हो गई। डॉक्टर ने उसका चैकअप करने तो बाद दसिया कि तेनों तीसरी स्टेज की टीबी है। आप जी सारे पढ़े लिखे और समझदार हो जानते ही हो कि पहली और दूसरी स्टेज की टीबी दवाइयां नाल पकड़ विच आ सकती है, पर तीसरी स्टेज की बीमारी बहुत खतरनाक होंदी है, जो कि दवाइयां नाल भी पकड़ विच नहीं आती। डॉक्टर ने दवाइयां तो दे दित्तियां, पर नाल ही कहा कि पता नहीं राजी होवेगा कि ना, अते नाल ही यह हदायत भी की कि किधरे आना जाना नहीं, जे कोई जरूरी काम है तो मुँह तो कपड़ा बन के रखना है, नहीं तो तेरी हवा नाल किसी होर नूं भी यह रोग हो जाने का डर है। यह महेंद्र सिंह बाबा ईश्वर सिंह जी राड़िया साहब वालिया का संगी सी। जदों इसने अपना दुख उन्होंने दसिया तो वह कहन लगे, इतना उदास क्यों हो गया है, दिल ना छड़। एक पाठ सुखमनी साहब का सवेरे और एक पाठ सुखमनी साहब का शाम को बंगला साहब गुरुद्वारे बैठ के करना है, जिथे संगत चरण धोंदियां हैं उत्थे सेवा कर, जोड़ियां की सेवा कर, झाड़ू की सेवा कर, और कुछ होर भी पैन लगाए कि किसी के घर नहीं जाना, उत्थे गुरुद्वारे ही सिर्फ एक प्रशादा आधार ले सकना है। इतने एक होर गल खोल देनी चाहिए है कि सत पुरश अपने अपने ढंग मुताबक दवाई देंदे हन, भाव जुगती देंदे हन। 13 दिन इस तरह महापुरशा की दसी जुगती मुताबक उसने सुखमनी साहब की बाणी पढ़ी। जदों 14वें दिन दोबारा डॉक्टर को जाके चैकअप करवाया तो दोबारा एक्सरे करवा के वेख्या तो डॉक्टर देख के हैरान हो गए, उस नवे एक्सरे में छाती उत्ते एक भी दाग टीबी का नहीं आया। इतने दस एक बेनती कर देवे कि दवाई नहीं छड़नी। कई शरीर कह देंदे हन कि सुखमनी साहब का आसरा लेना है, फिर दवाई की की लोड़ है, कोई शरीर में रोग है दवाई जरूर खानी है, पर आसरा दवाई का नहीं बाणी का तकना है, क्योंकि जे दवाई नहीं खावे फिर संसारिक मर्यादा गलत हो जाएगी। साडा भरोसा इतने यह टिकया होवे कि दवाई असर तक करेगी, जे सुखमनी साहब की बाणी की ताकत भी नाल शामिल होगी, तो नहीं तो तुम कई बार नोट कर लवो, वह दवाई किसी शरीर पर अपना असर करती है, वह राजी हो जाता है, पर किसी को उस दवाई नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।